हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब लगेगी खाने में। इसके सामने आप नॉन वेज एकदम ही फीका लगेगा। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ, आज मैं बनाऊँगी केला का फूल यानी मोचा का कोफ्ता करी, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बहुत टेस्टी। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ। मैं एक छोटा सा मोचा ली हूँ, ये हमारा गाज का ही मोचा है, और मैं चना का दाल डालकर मैं इसका कोफ्ता बनाऊँगी। तो देखिए, मैं मोचा दाल में एक घंटा पहले मैं फुला के रखी थी, अच्छी तरह से फूल गया है, और ये केला का फूल है, और ये मोचा मैं काट कर आप लोग के साथ दिखा रही हूँ। जिन लोगों को मोचा काटने आता है उन लोगों को कोई बात नहीं है, जिन लोगों को नहीं आता है वो थोड़ा सा देख लें। और ये हमारा गाज का ही ताज़ा मोचा है, देखिए इसका ये लंबा डंटी जो है ये बिल्कुल नई कुक होती है, और इसका जो छोटा सा फूल पपड़ी जैसा है, प्लास्टिक जैसा पपड़ी, उसको निकालना पड़ता है, वो लंबा डंटी निकाल कर तोड़ना पड़ता है। अब मैं सारा निकाल कर क्लीन कर ली, अब इसे छोटा छोटा बारीक काट कर मैं पानी में एक घंटा के लिए मैं छोड़ दी थी ताकि इसका सारा कस निकल जाए। सारा कस निकल गया है। अब मैं एक कटोरा में पानी डालकर थोड़ा नमक और हल्दी डालकर मैं एक उबाल इसमें लाऊंगी। अब देखिए, एक उबाल आ जाने पर अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके मैं इसको छानकर साइड में रख दूंगी। और ये दाल है, दाल को मैं मिक्सी जार में मैं डालूंगी और इसे दरदरा पीस कर रखूंगी। इसको फाइन पेस्ट नहीं करना है, दरदरा पेस्ट करना है। अब दरदरा पेस्ट हो गया है, मैं एक कटोरा में निकाल कर रख रही हूँ। अब यही मिक्सी जार में मैं धोई नहीं, इसी में सारा मसाला मैं डालूंगी। अब मैं एक मसाला तैयार करूंगी, इसमें धनिया है, जीरा है, थोड़ा लाल मिर्ची है, तेजपत्ता है, और लहसुन थोड़ा, और अदरक का टुकड़ा मैं डालकर मैं इसके एक फाइन मसाला तैयार करके रखूंगी। अब देखिए, दाल को मैं रखी हूँ, दाल में थोड़ा नमक और हल्दी स्वाद अनुसार मैं डाल दी थी। दाल पीसने के टाइम में एक दो हरा मिर्ची भी मैं पीस कर रखी थी, और छोटा चम्मच का दो चम्मच मैं बेसन डाल दी। अब मोचा जो बॉयल करके रखी थी, मोचा को बॉयल इसमें डाल दी रही हूँ। अब इसको सारा मोचा दाल इसमें नमक हल्दी सब मिलाकर मैं इसका छोटा छोटा बॉल जैसा बनाऊंगी। इसे आप गोल गोल शेप में भी बना सकते हैं या चपटा शेप में भी बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए सरसों तेल के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इस तरह से सारा पकौड़ी बनाऊंगी और एक एक करके मैं डालते जा रही हूँ। एक दो मिनट रुकने के बाद मैं इसे थोड़ा आस्ते आस्ते पलट दूँगी। ये जब तैयार हो जाती है, ये पकौड़ी बनकर तैयार रेडी हो जाता है। इसे आप चाय कॉफ़ी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। स्नैक्स हिसाब में भी इसे आप अगर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखिए, मैं थोड़ा आलू रखी थी, आलू को मैं तेल डाल दी, तेल डाल कर मैं आलू को लाल करके मैं फ्राई करके निकाल दे रही हूँ। अब तेल में थोड़ा सा मैं जीरा डाल दे रही हूँ, जीरा डाल के थोड़ा प्याज डाल दी, प्याज लाल हो जाने पर मैं मसाला डाल दी। मसाला डाल देने के बाद नमक और हल्दी मैं डाल दे रही हूँ, डाल के मसाला को अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। अब आलू भी मैं इसे डाल दे रही हूँ ताकि आलू थोड़ा अच्छी तरह से कुक हो जाए। आलू थोड़ा कच्चा आलू ही था, इसको उबाल आने के लिए इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची भी मैं इसमें डाल दी। इसमें डाल दे रही हूँ,
और डाल के मैं थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं इसे थोड़ा देर 5-7 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ ताकि वो आलू एकदम अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब देखिए तेल अच्छी तरह से रिलीज़ हो रहा है। अब तेल रिलीज़ होने के बाद मैं इसे और पानी डालकर मैं एक ग्रेवी बनाऊंगी। अब अपना मन चाहे इसका ग्रेवी बना सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसे मैं आलू एकदम अच्छी तरह से कुक हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब आलू इसका ग्रेवी जब रेडी बनकर तैयार हो जाए मैं सारा कोफ्ता इसमें डाल दूंगी। डालकर मैं एक उबाल लाकर मैं इसके ऑफ कर दूंगी इसका फ्लेम। इस तरह से मैं केला का कोफ्ता केला का मोचा यानी मोचा का कोफ्ता बनाकर रेडी कर ली। आप लोग के सामने मैं दिखा रही हूँ आप लोग को किस तरह लग रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएंगे और कौन कौन बनाए हैं वो भी कमेंट में बताएंगे। और मेरा वीडियो आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।